में नेपाल और भारत साझा बयान जारी कर रहे हैं, सीधे मिले चलते हैं आपको। हमारे लोगों के आपसी संबंध ऐसी मिसाल विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आदान प्रदान के धागे प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। अनादि काल से हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। हमारी पार्टनरशिप के आधार, उस आधार में हमारे लोगों के आपसी संबंध, उनके बीच आदान प्रदान है। ये हमारे संबंधों को ऊर्जा देते हैं, संबल देते हैं। और नेपाल के संबंध में भारत की नीतियां, हमारे प्रयास इसी आत्मीयता की भावना से प्रेरित रहते हैं। नेपाल की शांति, प्रगति और विकास की यात्रा में भारत एक दृढ़ साथी रहा है और हमेशा रहेगा। फ्रेंड्स, आज देवबा जी और मेरे बीच इन सब विषयों और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सार्थक बातचीत हुई। हमने अपने सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की और भविष्य की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया। हम दोनों सहमत हैं कि हमें पावर सेक्टर में सहयोग के अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमारा जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर कॉरपोरेशन भविष्य में सहयोग का ब्लूप्रिंट साबित होगा। हमने पंचेश्वर परियोजना में तेज गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की। यह प्रसन्नता का विषय है कि नेपाल अपने सरप्लस पावर भारत को निर्यात कर रहा है। इसका नेपाल की आर्थिक प्रगति में अच्छा योगदान रहेगा। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नेपाल से पावर आयात करने के कई और प्रस्तावों को भी स्वीकृत किया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। इससे हमारे क्षेत्र में सस्टेनेबल, एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री देवबा जी और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, उस इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देगी। नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे नेपाल पुलिस एकेडमी, नेपालगंज में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, रामायण सर्किट आदि भी दोनों देशों को और करीब लाएंगे। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के ओपन बॉर्डर्स का अवांछित तत्वों द्वारा दुरुपयोग न किया जाए, इस पर भी आज हमने चर्चा की। अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी संस्थाओं के बीच गहन सहयोग बनाए रखने पर भी हमने बल दिया। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत भारत नेपाल संबंधों के भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। देवबा जी, आप कल काशी में होंगे। नेपाल और बनारस का सदियों पुराना संबंध रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि काशी के नए स्वरूप को देखकर आप जरूर प्रभावित होंगे।
एक बार फिर आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मे आई नाउ रिक्वेस्ट हिज एक्सेलेंसी मिस्टर शेर बहादुर देउबा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, टू मेक हिज स्टेटमेंट टू द प्रेस। आई थैंक यू प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई एम टॉस्ड बाई वार्म वेलकम एंड द जेनरस हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंडेड टू मी एंड माई डेलीगेशन। आई रिकॉल योर लैंडमार्क फर्स्ट विजिट टू नेपाल इन 2014 and other subsequent visits, which have helped nurture bond of friendship and cooperation between our two countries. I truly admire your love and affection to Nepal and Nepali people.